हेलो गाइज, एस इलेक्ट्रिकल टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक्चुअली इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मेटल बॉक्स के बारे में। एक्चुअली मेटल बॉक्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। अब ये मेटल बॉक्स क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि बिल्डिंग में, आपने कहीं भी घरों में देखा होगा कि कहीं पर एक छोटा बॉक्स लगा हुआ है जिसमें दो स्विच लगे हुए हैं। कहीं पर देखा होगा आपने कि 8 स्विच वाला बॉक्स है, कहीं पर देखा होगा 12 स्विच वाला। तो जो भी मेटल बॉक्स आते हैं इसके नेम हैं अलग अलग, आप क्या नाम से पुकारेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये छोटा है, ठीक है, उससे ये बड़ा है, एक ये उससे छोटा है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये उससे छोटा है, मतलब ये अलग अलग टाइप के आते हैं। और एक ये हो गया, तो आप इसको क्या बुलाएंगे। इस हर बोर्ड का अलग अलग नाम होता है, ठीक है। तो उसी के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूँगा। अब ये देखिए, सबसे छोटा वाला ये हो गया, दो मॉड्यूल का बक्स है, दो मॉड्यूल। इसकी लंबाई चौड़ाई 3 इंच होती है और ये गहराई 2 इंच। सबका गहराई 2 इंच ही होता है, कोई भी मेटल बॉक्स है ये, सबका गहराई 2 इंच है। अब इसमें दो स्विच लगते हैं, दो स्विच, ठीक है, इसमें दो स्विच ही लगेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ, दो स्विच लगा सकते हैं। ओके, अगर आप इसमें वन मॉड्यूल का भी प्लेट आता है जिसमें बीच में एक स्विच होगा, ठीक है, तो इसमें दोनों सिस्टम होता है, ठीक है। या आप इसको वन मॉड्यूल में भी लगता है और टू मॉड्यूल में भी लगता है, ठीक है। और अगर कहीं पे जैसे एक बड़ा वाला सॉकेट है, जैसे यूनिवर्सल सॉकेट या 5 पिन सॉकेट, तो उसमें इसमें एक ही सॉकेट आएगा, ठीक है। सीधी सीधी भाषा में बोले तो दो मॉड्यूल का बॉक्स है, इसमें दो स्विच आएगा। और चौड़ा वाला सॉकेट जो आता है वो 5 पिन या यूनिवर्सल, एक सॉकेट आएगा। ओके, ये दो मॉड्यूल का बॉक्स है। अब मैं बात करूँगा, ये बॉक्स है 3 मॉड्यूल का, इसका ये 3 इंच और इधर से 4 इंच होता है। ओके, इसमें 3 स्विचेज आते हैं, जो स्विच होता है ना, क्या बोलते हैं, 6 एम्पियर, वो 3 स्विच इसमें आएंगे, 3 स्विच। या 5 पिन वाला जो सॉकेट है, एक सॉकेट या एक स्विच आएगा, एक सॉकेट या एक स्विच 5 पिन वाला, ठीक है। तो ये है 3 मॉड्यूल का बॉक्स। ओके, जैसे पावर का जो लगता है ना, क्या बोलते हैं, जैसे बोला जाता है ये पावर का यहाँ पे सॉकेट स्विच आने वाला है, तो इसमें एक सॉकेट और एक स्विच के लिए यही बॉक्स लगता है, ये है 3 मॉड्यूल। चलिए अब आगे बात करते हैं, ये है 4 मॉड्यूल, 4 मॉड्यूल, तो इसमें 4 स्विच आएंगे, 4 स्विच। ओके, या एक 5 पिन वाला एक सॉकेट और 2 स्विच। ओके, और स्विच लगाना है तो 4 स्विच आएंगे, ये है 4 मॉड्यूल का बॉक्स। इसकी इधर से है 3 इंच और ये लंबाई इसकी आती है 5 पॉइंट कुछ इंच है। ओके, 5 इंच कुछ है मैम, ठीक है। तो ये है 4 मॉड्यूल, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ, 4 मॉड्यूल हो गया, अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये हो गया 6 मॉड्यूल। अब 6 मॉड्यूल ये है, इसकी लंबाई इधर से, लंबाई ये होता है 8 इंच और इधर से चौड़ाई 3 इंच। ओके, तो 6 मॉड्यूल में आता है आपका 6 स्विच आएंगे। आप स्विच लगाना चाहते हैं तो 6 स्विच लगा सकते हैं, या रेगुलेटर अगर 2 मॉड्यूल का आता है, चौड़ा वाला रेगुलेटर है, तो एक रेगुलेटर और 4 स्विच। ओके, या अगर आप सॉकेट लगाना चाहते हैं तो 2 सॉकेट, 5 पिन वाला जो चौड़ा वाला सॉकेट आता है वो, 2 सॉकेट और 2 स्विच। बॉक्स कितने मॉड्यूल का है, 6 मॉड्यूल, 2 सॉकेट और 2 स्विच, या 6 स्विच आप लगा सकते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये है 6 मॉड्यूल का बॉक्स। अब मैं आपको दिखा दूँ, ये है 8 मॉड्यूल। अब 8 मॉड्यूल में क्या लगता है, थोड़ा सा आप फ़र्क देख रहे होंगे, मैं आपको थोड़ा सा इसका फ़र्क भी दिखा दूं। ये देखिए, थोड़ा सा इससे लंबाई इसका ज़्यादा है 8 मॉड्यूल का। ओके, इसके ये लंबाई होता है 9 इंच, यहाँ से यहाँ 9 इंच लंबाई और चौड़ाई वैसे 3 इंच, सबका चौड़ाई 3 इंच है, सेम। ओके, लंबाई है 9 इंच। अब इसमें 8 स्विच लगा सकते हैं, स्विच लगाएंगे तो 8 स्विच लग जाएगा, 8। अब 8 स्विच और सॉकेट लगाएंगे तो सॉकेट तो चौड़ा वाला होता है जो, तो वो तो 2 स्विच के जगह एक ही सॉकेट लग जाता है, यानी कि 2 स्विच के बराबर उसके चौड़ाई होता है। तो अगर सॉकेट आप लगाएंगे तो 3 सॉकेट और 2 स्विच,
बॉक्स कितने का है? 8 मॉड्यूल, 8 मॉड्यूल, 3 सॉकेट और 2 स्विच, या 8 स्विच लगा सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे, रेगुलेटर आता है 2 मॉड्यूल में, चौड़ा वाला आता है, पतला वाला भी आता है, ठीक है। तो 2 मॉड्यूल वाला है तो रेगुलेटर, इसमें 1 रेगुलेटर और 6 स्विच लगा सकते हैं, 1 रेगुलेटर 6 स्विच, समझिएगा इस बात को, 1 रेगुलेटर और 6 स्विच। ये बॉक्स कितने का है? 8 मॉड्यूल। जैसे बहुत जगह लगा होता है 1 रेगुलेटर और 1 सॉकेट, 5 पिन वाला 1 सॉकेट, ओके, और 4 स्विच, ठीक है, 1 रेगुलेटर, 1 सॉकेट और 4 स्विच। तो ये हो गया 8 मॉड्यूल। तो डियर फ्रेंड, ये यही सब बॉक्स हैं। और इसके अलावा ये जो 8 मॉड्यूल है ना, तो 8 मॉड्यूल का और भी एक बॉक्स आता है जो कि यहाँ पे अलाउ नहीं है लगाना। इस जो ये जो साइट चल रहा है यहाँ पे वो अलाउ नहीं है। वो कैसे होता है मैं आपको बता दूँ। ये आप देख रहे हैं, ये 4 मॉड्यूल का बॉक्स, तो ये 4 मॉड्यूल का दोनों बॉक्स को जोड़ दिया जाए तो ये 8 मॉड्यूल का बॉक्स बन जाएगा। मतलब उसका थोड़ा चौड़ाई स्क्वायर में आता है वो 8 मॉड्यूल का बॉक्स, ऐसा भी होता है। ये है बॉक्स 4 मॉड्यूल का 2 पीस। तो दोनों को जैसे मैं टच कर दिया हूँ तो इस ऐसे ही स्क्वायर में 8 मॉड्यूल का बॉक्स आता है, तो आप ये समझ सकते हैं। और मैं एक और आपको बात बता दूँ, 12 मॉड्यूल का बॉक्स इस साइड पर अलाउ नहीं है, बट 12 मॉड्यूल का बॉक्स ऐसे ऐसे आता है, ऐसे आकार में। जैसे ये 6 मॉड्यूल का 2 बॉक्स मैं जोड़ दिया हूँ, ठीक है, तो ऐसे भी 12 मॉड्यूल का बॉक्स आता है, सेम। दोनों को जोड़ने के बाद जो लंबाई चौड़ाई बन रहा है, ठीक है, 12 मॉडल का बॉक्स ऐसे भी आता है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, 18 मॉडल का भी बॉक्स आता है जो कि यहाँ इस साइट पे नहीं लग रहा है, फिर मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगा। ये तीनों बॉक्स को जोड़ दिया जाए, तीनों 6 मॉडल बॉक्स को जोड़ दिया जाए, ये जैसी आकृति बन रही है ये हो गया 18 मॉडल। मतलब ये बीच का ये नहीं रहेगा, ये वाला नहीं रहेगा। मैं मतलब यहाँ पर नहीं है फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप फिर कन्फ्यूजन में हो जाएंगे, क्योंकि जो बॉक्स अवेलेबल है इस साइड पे जो अलाउ हैं वो तो सारे बॉक्स यहाँ पे अवेलेबल है, 18 मॉडल का यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो मैं 18 मॉडल के बारे में बता दे रहा हूँ। तो ऐसे बॉक्स होते हैं टोटल 2 मॉडल, 3 मॉडल, 2, 3, 4 मॉडल, 4 के बाद 6 मॉडल, 6 के बाद 8 मॉडल, 8 के बाद 12, 12 के बाद 18, 18 मॉडल तक बॉक्स आते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं इसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।